जमीन का ये बच्चा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में सिक्का राइजुल वक्त बना हुआ है। ये आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें, जोरदार तालियों से भाई सुहेल आजाद के इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मौजूद सामईन। इसके बाद मैं आरिफ भाई को फिर एक मरतबा दावत। मौजूद सामईन, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोगों के ऊपर एक दुश्वारी है, अलग एक कानूनी पाबंदियां होती है, इसलिए हम लोगों ने ये, मैं पुलिस प्रशासन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हम लोगों को कम आवाज में इस प्रोग्राम की इजाजत मिल गई। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि किसी का भी मुशायरा हुआ ये नहीं चाहता कि मेरा मुशायरा जल्द से जल्द खत्म हो। दो महीने से सादी गसरफी साहब और उनके दोस्त अहबाब इस प्रोग्राम की जद्दोजहद में लगे थे, मगर जो अल्लाह की मर्जी हुआ आप लोगों ने साथ दिया। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ, बिल्कुल ताजा गजल पढ़ता हूँ। शबे बारात के रोज दोस्तों, अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना शरीक होते हैं। पेश करता हूँ, समाज फरमाए भाई सुनेंगे। शबे बारात के रोज एक बच्चे का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। हाँ, मगर जब उसका जनाजा उठा तो उसकी वालदा मोहतरमा के दिल पे क्या गुजरी वो या तो अल्लाह जानता है या तो उसकी वालदा जानती है। एक मतलब कुछ शेर में पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी दुआओं से मुझे नवाज दे। पेश करता हूँ समाज फरमाए, इजाजत है बस ये आखिरी पायदान पेश करता हूँ समाज फरमाए। अब्दुल माजिद बोल रहा है, मैं बैठा है, बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे। मैं मतलब दो शेर पढ़ता हूँ समाज फरमाए। मुझे हैरत में डाला जा रहा है। सुनिए, मजा लीजिए, नहीं गजल को सुनिए, बिल्कुल ताजा गजल है, पेश करता हूँ समाज फरमाए। मुझे हैरत में डाला जा, वो जो मेरे दोस्त है नीचे उतरिए। अल्लाह के वास्ते आपको कोई कदर नहीं होती है। शायर कितने मुश्किल से शेर कहता है, आप खराब करने पे चले आते हैं। चांदनी इस तरफ आइए आप। बाय बाय, एक मरतबा जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए। नई गजल पढ़ रहे सुहेल भाई, इजाजत सुन ले, पेश करता हूँ समाज फरमाए। अब्दुल माजिद और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, मैं पेश करता हूँ समाज फरमाए। शाह, मुझे हैरत में डाला जा रहा है। मुझे हैरत में डाला जा रहा है। मुझे हैरत गिरा कर फिर संभाला जा रहा है। अब्दुल अलीम सेठ साहब भी यहाँ नवीद प्रेम साहब के साथ बैठे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह तमाम लोगों की दुआएं मुझे मिलेगी, पेश करता हूँ। गिरा कर फिर संभाला जा रहा है, किसी के मुंह में सोने के निवाले। किसी के, सुनिए गजल यार, मजा लीजिए। आप क्यों सब पढ़ गए? मैं मुशायरा पढ़ सकता था, मगर मुझे मालूम है कि आप मेरा शहर क्या सुनना चाहता है। क्या बात है, अब मैं पढ़ के बताता हूँ, पेश करता हूँ समाज फरमाए। मुझे हैरत में डाला, गिरा कर फिर संभाला जा रहा है, किसी के मुंह पत्थर उबाला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। सैफ सैफ न्यूज़ हम लोगों के मुशायरे को बड़ा ताऊन करते हैं। सैफ न्यूज़ के एडिटर डायरेक्टर साहब सैफ अब्दुल रहमान साहब, पेश करता हूँ समाज फरमाए। किसी के मुंह, किसी के मुंह में सोने कहने वाले, कहीं पत्थर उबाला जा रहा है, कहीं पत्थर उबाला जा रहा है। हमारे नौजवान नस्ल जो है
जब वो बाइक लेकर के निकलती है तो इतनी तेज निकलती है, इनको ये पता नहीं होता है कि अगर इनको कोई तकलीफ पहुंचेगी तो इनका पूरा खानदान परेशान होगा। मेरा बेटा भी, मुझे बहुत शिकायतें मिलती है, मेरा बेटा भी ये करता है। अब आप उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगा, पेश करता हूँ सवा थर्मा और मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी मुझे मोहब्बतें मिलती है। पेश करता हूँ सवा थर्मा। कहीं पत्थर उबाला जा रहा है, कहा बेटे की मैयत पर ये मारे, कहा बेटे की मैयत पर ये मारे भाई, कहा बेटे माने, कहा बेटे की मैयत पर ये माने, मेरे घर का उजाला जिंदाबाद। तालियां कब थी यार आप लोगों की, तमाम लोग मिलकर इस पर नवाजिए, क्या बात है, जिंदाबाद सर भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। कहा बेटे की मैयत पर ये माने, कहीं पत्थर उबाला जा रहा है, कहा बेटे, कहा बेटे की मैयत पर ये माने, मेरे घर का उजाला जा रहा है, जा रहा है, सोहेल आजाद की हक बात को, अब सोहेल आजाद की हक बात को, क्या बात, सोहेल आजाद, सोहेल आजाद की हक बात को, सोहेल आजाद की हक बात को, बड़ी हिकमत से टाला जा रहा है, बड़ी रवाब जा रहा है, मेरे घर का उजाला जा रहा है, कहीं पत्थर उबाला जा रहा है, एक मतलब इजाजत है, एक मतलब शेर। अरे बहुत शुक्रिया मेरे सरपरस्त अंसारी डॉक्टर शकील अंसारी साहब, यहाँ तशरीफ फरमा है कलीम भाई चाय पत्ती वाले भी तशरीफ फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। एक मतलब खुशी पर पेश करता हूँ समाज को, ये भाई पेश करता हूँ समाज को, कुछ रिश्ते कुछ ऐसे इज्जत देते हैं, 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 आँख में जैसे दिल के दिक्कत देते हैं, दिक्कत देते हैं, कुछ रिश्ते कुछ ऐसे इज्जत देते हैं, आँख में जैसे दिल के दिक्कत देते हैं, आँख में जैसे दिल के दिक्कत देते हैं, दौलत वालों को मिल जाता है रुतबा, क्या दौलत वालों को मिल जाता है रुतबा, 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 ताकत वालों को सब इज्जत देते हैं, ताकत वालों को सब इज्जत देते, तो तालियों से इस्तकबाल करते हैं। ये है मेरा शहर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शायरी पे भी दाद देता है, अल्हम्दुलिल्लाह पेश करता हूँ। कुछ रिश्ते कुछ ऐसे इज्जत देते हैं, शेर पढ़ता हूँ समाज समाज, इज्जत देते हैं, कैसे हो तुम कैसे है हालात कहो,
कैसे हो तुम, नवीद भाई हालात कहो, कैसे हो तुम, कैसे हैं हालात कहो, कैसे हो तुम, कैसे हैं हालात कहो, ऐसे जुमले दिल को राहत देते हैं, ऐसे ऐसे जुमले दिल को राहत देते हैं। मौजूद सामने हमारे इस मुशायरे में धुलिया शहर से गोपाल अंसारी साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है, उनके लिए ये शेर पढ़ता हूँ मैं, मेरे शहर के हवाले से उनके लिए शेर पढ़ता हूँ। गोपाल भाई पेश कर दो, समझ लो आरिफ सैफी साहब, आरिफ सैफी साहब की अगर कहानी आप लोगों को सुनाए तो आप जितना उनको चाहते हैं उससे चार पट जाओगे इंशाल्लाह। हाँ, इनके दस्तरखान को अल्लाह पाक सलामत रखे, आरिफ सैफी साहब के दस्तरखान को अल्लाह पाक से दिल से दुआ देता हूँ सलामत रखे। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शायर नहीं है कि जो ये इस बात को ना कहा हो। पेश करता हूँ, ऐसे जुमले दिल को राहत देते हैं, मेहमानों की आमद पर एहसास हुआ, 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 चंदने वाले रिज़्क़ में बरकत देते हैं, चंदने वाले रिज़्क़ में बरकत देते हैं। मेरा भाई छोटा भाई ये फजल आजाद यहाँ बैठा है, सारी हिंदुस्तानी एक शेर पढ़ता हूँ, नदीम मेरा भाई छोटा भाई पेश करता हूँ, इज्जत देते हैं कसते हैं हालात मुझे जब जब आजाद, हालात मुझे जब हालात मुझे जब जब आजाद, मेरे भाई मुझको हिम्मत देते हैं, मेरे भाई हिम्मत देते हैं। अब एक शेर का हुक्म है माजरत के साथ, एक शेर मेरा छोटे भाई का हुक्म, अब देखो उसने क्या हुक्म दिया है। हाँ, मेरे छह बच्चे हैं मगर मेरे भाई ने क्या हुक्म दिया, पेश कर समझ सम्मान देखना, रोशनी के जलते बुझते, रोशनी के जलते, रोशनी के जलते बुझते, इससे यार क्या करूं, रोशनी के जलते बुझते, चांदनी जब साथ, अरे आगे रोशनी के जलते बुझते, इससे आरे क्या करूं, चांदनी जब साथ में,